और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मैं पूरी रात की जागी हुई हूँ, मैं सो नहीं सकी। और के सब कंप्लेन कर रहे हैं वही लोग थे जो इमरान खान को तो खड़ी हुई हैं गाड़ियां एमकेएम के झंडे। आई एम हेडिंग बैक होम एंड लुक एट दैट। हेलो एवरीवन, तो ये मैं हूँ सोनिया राव और मैं जाने लगी हूँ वोट देने के लिए और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मैं पूरी रात की जागी हुई हूँ, मैं सो नहीं सकी और एक्साइटमेंट में सोया नहीं जा रहा था कि मैं किस तरह सोऊँ। तो खैर, आई वाज अप ऑल नाइट और अब सुबह हो चुकी है एंड आई एम अबाउट टू गेट रेडी। और मैंने सोचा कि टाइम पे 8:30 बजे जाके मैं वोट दे दूँ, लेकिन अल्लाह खैर करे, आई एम जस्ट होपिंग कि बहुत ज़्यादा ना खड़ौना पड़े। अगर होना पड़ा भी तो हो जाएंगे, फिर क्या कर सकते हैं। So I'll just get ready. तो जी ये yes, this is what I'm going to wear because ये जो है लाइट सा है और comfortable है और इसमें फोन भी छुप सकता है। Yes. तो जी 8 बज चुके हैं और मुझे लग रहा है मैं अकेली वोट देने के लिए निकली हूँ। मुझे लोग नज़र नहीं आ रहे रोड पे, अल्लाह खैर करे, खैर जाके पता चलेगा। मैं जा रही हूँ क्लिफ्टन ब्लॉक 8, 10 मिनट की ड्राइव है DHS से। सो लेट्स सी, कुछ गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं अभी तो आ रही गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। लेट्स सी कितने लोग वहाँ पर हमें मिलते हैं। तो हमारा वादा है सभी साथ से गाड़ी को जीरोस। बंदे ने बड़ी मुस्कुरा के मुझे देखा पहले, तो मैं जरा मेरे गार्ड्स अप हो गए, मैंने कहा ये क्या है। खैर वो फिर से मुझे विक्ट्री का साइन दिखाया एंड ही वाज रियली हैप्पी कि हम वोट देने के लिए जा रहे हैं। सो इट वाज अ गुड जेस्चर। स्काई स्टॉप्ड अगेन सिग्नल पे एंड ही वाज लाइक कि आप किसको वोट दे रही है। मैंने कहा मैं क्यों बताऊँ, आप बताएं। ही वाज लिटिल रिलक्टेंट, देन ही वाज लाइक कि मैं तराजू को वोट दे रहा हूँ। मैंने कहा ले भाई। खैर ही अंडरस्टूड के मैं किसको वोट देने के लिए जा रही हूँ। नहीं सेड डोंट वेस्ट योर टाइम। बड़े अफसोस की बात है कि लोगों को लगता है कि टाइम वेस्ट होगा खान साहब को वोट डालेंगे तो। नेवर माइंड। खैर हमने जो करना है हम तो वो करेंगे, हम अपना वोट उसी को देंगे जो वोट का हकदार है। सो लेट्स जस्ट प्रे एंड होप फॉर द बेस्ट। अच्छा जी, काफ़ी दुनिया निकली हुई है। मैं DHE की सूरत हाल आपको बता रही हूँ। लोग जा रहे हैं वोट डालने के लिए और यहाँ पे DHA स्कूल जो है उसके बाहर भी काफ़ी लंबी एक जो है वो क्यू बनी हुई थी, तो काफ़ी सारे लोग थे उसमें। तो शुक्र है कि लोग निकले, अल्लाह करे और निकले। अच्छी बात है कि पार्किंग मिल गई है। आहिस्ता आहिस्ता रश जो है वो बढ़ जाएगा। किसी के हाथ में मुझे बैग। अच्छा जी, अभी तक स्कूल का गेट जो है ना वो खुला नहीं है और लोग बाहर खड़े हैं। मेरे ख्याल से 10 लोग होंगे, ज़्यादा नहीं है। तो ऐसा ऐसा रश होगा। लेट्स गो। अब हम बनाएंगे पर्ची। अस्सलाम वालेकुम। नंबर वगैरह पता? हाँ मुझे पता है। आपका स्कूल आया होगा ना? कौन सा स्कूल है? यही है। क्या नाम है आपका? घराना नंबर 134। सिलसिला नंबर है 134, घराना 184। को दिखा दूँ, पर्ची मेरी बन चुकी है और ये खड़े हुए हैं लोग यहाँ पे। आई थिंक 10 होंगे इन टोटल, 10-12-15 मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं है। देख सकते हैं आप। ओके जी, मुबारक हो, फाइनली वोट मैं दे चुकी हूँ एंड इट वाज लाइक प्रिटी ऑर्गेनाइज्ड टू बी ऑनेस्ट। अपना वोट कास्ट कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा,
सारी चीजें बहुत स्मूथली हो गई. मुझे एग्जैक्टली आप समझे आधे घंटे के अंदर मैं बोर्ड देख के बाहर आ गई हूँ. अब आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं. लेकिन एक जो सब शिकायत कर रहे थे, जो कि सब जितनी भी फैमिलीज हैं सबके साथ एक हरकत इन्होंने ये की है कि इन्होंने एक घर के अगर पांच लोग हैं तो पांचों को डिफरेंट पोलिंग स्टेशन में भेजा है. यू नो सबके डिफरेंट पोलिंग स्टेशन हैं ताकि लोग जो है वो एट अ टाइम जा ना सकें, किसी को यू नो ट्रांसपोर्टेशन का इशू हो और किसी को कुछ इशू हो और वो इकट्ठे जा ना सकें. तो इस तरह से भी बहुत सारे वोट जो है ना वो आपके कट जाते हैं. लेकिन आई थिंक जिसने वोट देना है और जिसने ठान लिया है ना उसने वोट देना ही देना है. जैसे मैं शदीद तबीयत ख़राब, फिर भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं जागती रही. मैंने कहा मैं सोऊंगी नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह के मैंने वोट दिया और मैं दुआ फजर की नमाज में मांगी कि अल्लाह मियां आसानी पैदा करना, ज़्यादा खड़ा ना होना पड़े क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं है खड़े होने की. तो अल्लाह का शुक्र है बस अंदर गए हैं. 10 मिनट हार्डली हमने वेट किया होगा. अच्छा ये अच्छी बात हुई कि मैंने ये अकलमंदी की कि मैंने आई लेफ्ट होम एट 8 शॉप और 10 मिनट का मेरा रास्ता था पोलिंग स्टेशन से. सो यू नो सुबह सुबह अर्ली होता है तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो जाती हैं. तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह. बस आई थिंक जितने भी लोग थे उसमें ज़्यादातर वही लोग थे जो इमरान खान को वोट दे रहे थे. बट एट द सेम टाइम पीपल आर क्वाइट वरिड कि ये हम वोट दे रहे हैं एंड आई होप कि कोई ऐसी बात ना हो कि हमारा वोट ज़ाया हो जाए. बिकॉज यू नो वही कह रहे हैं सारे कि जी रिग्ड है इलेक्शन एंड ऑल दैट. बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट. तो ये खड़ी हुई हैं गाड़ियाँ MQM के झंडे और दिस इज लाइक सिटी स्कूल. अच्छा एक्सपीरियंस रहा बहुत क्विकली सब कुछ हो गया विदाउट यू नो वेस्टिंग टाइम विच वॉज द बेस्ट पार्ट. और अब आई एम हेडिंग बैक होम एंड लुक एट दैट. ये बहुत गलत किया इन बकरियों ने मेरे साथ. वो तो शुक्र है मैंने ब्रेक लगा दी. ओ माई गॉड ये इस घर से इतनी सारी बकरियां निकली हैं. हटो भाई हटो. सो क्यूट. ये बकरियों ने तो काम तमाम कर दिया था. अचानक से ब्रेक लगाई मैंने इतनी. अच्छा जी इस घर से निकली हैं ये बकरियां इतनी सारी. ये वाले अंकल भी आ जा रहे हैं वोट देने के लिए. आपके को पता हूँ लोग बड़े खुश हैं. सब जो है वो मुस्कुरा रहे थे. सबका मूड बड़ा अच्छा लग रहा था. खुशी खुशी सब वोट दे रहे थे. बिकॉज आई एम श्योर कि जिनके चेहरों पे खुशी नजर आ रही है ना ये वही लोग हैं जो खान साहब को वोट दे रहे हैं. इतनी दुनिया आ रही है बाहर से जस्ट इसलिए कि वो अपना वोट कास्ट कर सकें खान साहब के लिए. यू नो सो दिस इज अ ग्रेट चेंज एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट.